हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का यूनिट टू जिसमें ई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसमें शॉर्ट में जिसे शॉर्ट में ई सी आर एम भी कहा जाता है मीनिंग फीचर्स बेनिफिट्स इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल्स एंड एलिमेंट्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट वी करते हैं मीनिंग ऑफ ई सी आर एम ई सी आर एम और इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड सर्विस स्ट्रेटी इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मार्केटिंग है जिसमें ऑनलाइन सेल्स की जाती है मार्केटिंग की जाती है एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई जो एक आइडेंटिफाई करने के लिए अपने बिजनेस को यूज़ करता है अट्रैक्ट एंड रिटेन इन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स और एक अट्रैक्ट करने के लिए रिटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर्स को इट डिस्क्राइब्स ये डिस्क्राइब करता है इम्प्रूव्ड एंड इंक्रीज कम्युनिकेशनस को बिटवीन एन ऑर्गनाइजेशन एंड इट्स क्लाइंट्स और एक ऑर्गेनाइजन और क्लाइंट्स के बीच कम्युनिकेशनस को इम्प्रूव एंड इनक्रीज करता है बाई क्रिएटिंग एंड इन्हेंसिंग कस्टमर्स इंट्रैक्शन थ्रो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू कस्टमर्स का जो इंट्रैक्शन uh, है वो अपनी ओर खींचता है इनहेंसिंग करता है ई सी आर एम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स प्रोफाइल्स एंड हिस्टोरीज ऑफ ईच इंटरेक्शन और द मैनेज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ विद इट्स कस्टमर्स ई सी आर एम सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड्स करता है एक अच्छा प्रोफाइल और एक हिस्ट्री को जो uh, सभी इंटरेक्शन को ऑर्गेनाइजेशंस का कस्टमर्स तक लेके जाता है कस्टमर्स का इंटरेक्शन करता है इनहसिंग करता है मैकिंग इट एन मैकिंग इट एन इम्पोर्टेंट टूल और एक इम्पोर्टेंट टूल मेक करता है फॉर ऑल स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए फीचर्स ऑफ ई सी आर एम कस्टमर्स कस्टमर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल कस्टमर प्रोवाइड करता है हरी हर एक्सेस कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंक्वायरी स्टेटस एंड कॉरस्पोंडेंस नॉलेज मैनेजमेंट एक सेंट्रलाइज नॉलेज एक नॉलेज को सेंट्रलाइज करता है बीस दैट हैंडल्स एंड शेयर कस्टमर इंफॉमेसन जो कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन को शेयर करता है हैंडल्स हैंडल handle करता है अकाउंट मैनेजमेंट एक्सेस टू कस्टमर इन्फॉर्मेशन एक्सेस कस्टमर इन्फॉमेसन को और हिस्ट्री को अलाउिंग करता है सेल्स टीम्स तक एंड कस्टमर सर्विसेज टीम्स टू फंक्शन इफिशियनटली और जो कस्टमर्स का सर्विसेज जो है वो एक टीम के थ्रू फंक्शन किया था इफ़ियेंटली केस मैनेजमेंट कैप्चर्स इनकोरीज इसके इसके लेट्स प्रायोरिटीज़ केसेज एंड नोटिफाइज़ मैनेजमेंट ऑफ अनरिजॉल्व इशूज़ अनरिजोल्व इशू जो है उन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट की जाती है जैसे कि इसके लेट्स प्रायोरिटीज़ केस एंड नोटिफाइज कैप्चर इंक्वरीज़ इन सारी चीज़ों का बैक एंड इंटीग्रेशन ब्लेंड्स विद अदर सिस्टम्स सच एज बिलिंग इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स थ्रू रेलिवेंट कस्टमर कॉन्टैक्ट पॉइंट सच एज वेबसाइट एंड कॉल सेंटर्स रिपोर्टिंग एंड एनालिस रिपोर्ट जनरे जेनरेशन ऑन कस्टमर बिहेवियर एंड बिजनेस क्राइटेरिया एक जो रिपोर्ट दी जाती है जेनरेट की जाती है वो कस्टमर बिहेवियर बेस पे एंड बिजनेस का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स ऑफ एन ई सिस्टम सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट जो सर्विस का लेवल है जो सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस जो प्रोवाइड किया तो उसके लेवल पे उसकी लेवल को इम्प्रूवमेंट की जाती है रेवेन्यू ग्रोथ और रेवेन्यू पे ग्रोथ किया जाता है रेवेन्यू को ग्रो किया जाता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाती है की जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का को सटिसफेक् की जाती है ऑटोमेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ई सी आर एफ सिस्टम डिफाइन कस्टमर रिलेशनशिप कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है रिलेशन कैसा है उनको डिफ़ाइन करना डेवलप अ प्लान जो प्लान की जाती है उन्हें डेवलप करने फ्यूचर के लिए फोकस ऑन कस्टमर्स कस्टमर्स के फोकस कस्टमर पे फोकस करना है उनके नीड्स क्या है वांट्स क्या है उनका इनकम लेवल क्या है सेव मनी कस्टमर्स कितना मनी सेव करता है सर सर्विस एंड सपोर्ट उसे सर्विस देना है एंड सपोर्ट करना है मॉड्यूल्स इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सेल्स मोस्ट बिजनेस नीड्स अ न्यू बिजनेस टू ग्रो इन द बेस्ट वे टू अचीव देयर गोल हर बिजनेस का चाहिए एक नया बिजनेस को कि ग्रो करना एंड उसका बेस्ट वे है कि उनकी गोल्स को अचीव करना है सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा करके सेल्स मॉड्यूल इन आर सी आर एम सेल्स मॉड्यूल जो है कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल में प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोविंग बिजनेस बिजनेस को ग्रो करने में विच किप्स ट्रैकिंग जो ट्रैकिंग करता है ऑफ न्यू लीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मार्किटिंग मार्किटिंग इज़ आ प्रोसेस मार्किटिंग एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है आपके बिजनेस को सक्सेड होने में इन द बेस्ट पॉसिबल वे में एक बेस्ट पॉसिबल वे में एवरी ई कामर्स कंपनी नीड्स टू हर ई कामर्स कंपनी को चाहिए मार्केट एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और उसके प्रोडक्ट और सर्विस को टू गेट एग्जिस्टिंग एंड न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स सपोर्ट सी आर एम सपोर्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सपोर्ट मॉड्यूल इज़ डिज़ाइन जो सी आर एम सपोर्ट मॉड्यूल को डिज़ाइन किया गया है टू मैनेज मैनेज करने के लिए एंड ट्रैक करने के लिए द कस्टमर सर्विस और बिजनेस का सच एज सपोर्टिंग सपोर्टिंग द इंसिडेंट बेस्ड ऑन सर्विस बेस्ड सपोर्ट इफ़ आ कस्टमर हैज़ एनी कंसर्नस अबाउट पेमेंट्स बिलिंग्स रिफंड्स ई टी सी अगर इससे कोई भी रिलेटेड उनका इशू होती है कोई क्वारीज होती है तो उसे सपोर्ट किया, किया जाता है उनका सॉल्व किया जाता है रिपोर्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स हैव द एबिलिटी टू एनालाइज योर बिजनेस डेटा टू गेट रियल टाइम सी आर ए मैनेजमेंट जो है रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स करता है एबिलिटी को आपके बिजनेस का एनालाइज़ करता है डेटा को एंड गेट रियल टाइम इन साइट्स दिस हेल्प्स यूजर्स और यूज़र्स को ये हेल्प करता है टू क्रिएट करने के लिए क्विक रिपोर्ट्स क्विक रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है विद चैट्स के साथ चैट में या तो फिर टेबल्स में एंड ग्राफ्स में टू ईज़ी टू इजीली एनालाइज एक एनालाइज करने के लिए दिए डेटा दिस रिपोर्ट्स कैन बी शेयर्ड और ये डेटा शेयर किया जा सकता है इजीली विद योर टीम आपके टीम के साथ एंड इट हेल्प्स और ये हेल्प करता है यू फाइंड योर अप्स एंड डाउन्स आप इसके थ्रू अपना बिजनेस का अप एंड डाउन को फाइंड फाइंड कर सकते हैं टू मेक डिसीजंस ऑन अचीविंग बिजनेस गोल्स और बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए डिसीजन मेक कर सकते हैं एक्टिविटीज़ एक्टिविटी मॉड्यूल प्लेज आ विटल रोल एक्टिविटी मॉड्यूल्स जो है वो एक विटल रोल प्ले करता है डे बाय डे इन योर बिजनेस ऑपरेशंस आपके बिज़नेस ऑपरेशंस में एक्टिविटी शोज कम्युनिकेशन एक्टिविटी जो शो करता है कम्युनिकेशन को करता है विद द कस्टमर्स के साथ सच एज ई मेल के थ्रू फोन कॉल्स के थ्रू या तो फिर मीटिंग्स के थ्रू हेल्प यू एंड योर बिजनेस आपको और आपके बिजनेस को हेल्प करता है समझने के लिए ऑल ऑफ द कम्युनिकेशंस को सभी तरीके के कम्युनिकेशंस को यू हैव हैड विद इच कस्टमर्स आपको हर कस्टमर्स के साथ करना चाहिए फोर सीज और एलिमेंट्स ऑफ सी आर एम प्रोसेस कस्टमर एक्सपीरियंस पीपल लव टू टेक अबाउट योर सर्विस एंड योर प्रोडक्ट्स लोगों को अच्छा लगना चाहिए आपके कस्ट आपके सर्विस और प्रोडक्ट्स को खरीदने में परचेज करने में लेने में इट इज़ द की एक की है ड्राइवर ऑफ कस्टमर ये एक की ड्राइवर है कस्टमर से कन्वर्सेशन करने का कन्वर्स कन्वर्सेशन द स्टोरी ऑफ माई प्रीवियस बुक द कन्वर्सेशन मैनेजर इट इज द गोल टू कन्वर्स एंड नोट कम्युनिकेट लिसन आस्क क्वेश्चन फैसिली टेक्ट द कन्वर्सेशन एंड एक्टिवली टेक पार्ट इन दैम कस्टमर से कन्वर्सेशन कीजिए उससे कम्युनिकेट कीजिए उनका सुनिए उन्हें क्वेश्चंस करिए उससे फैसिलेट करिए उसके एक्टिविटी uh, पे उसकी सारी प्रॉब्लम्स को जानिए उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए कंटेंट गिव पीपल स्टाफ टू टॉक अबाउट लोगों से बात कर, बात करिए उनके अबाउट उनके बारे बट डू इट इन एन ऑथेंटिक पॉजिटिव एंड रिलेवेंट वे एक सही रिलेवेंट वे पे एक पॉजिटिव वे पे पॉजिटिव बात करिए उसकी पॉजिटिव कोलाबोरेशन इन्वॉल्व कस्टमर्स कस्टमर्स को इन्वॉल्व करता है हर चीज़ों में आपके कंपनी का लेट द बी पार्ट ऑफ योर रूम उससे आपका कर, आ, बिजनेस का एक रूम का पार्ट बनने दीजिए एंड लेट दैम बी इन्वॉल्व और उसे इन्वॉल्व होने दीजिए इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने दीजिए उसे तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना है तक अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं मैं उसे सॉल्व कर दूंगा और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू सो मच